ना पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसा इतना ज्यादा कमाना चाहता है कि कम समय में वह इतना पैसा कमाना चाहता है जिससे कि उसकी लाइफ जो है वह अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को अचीव कर सकता है। तो इसीलिए आज मैं ऐसे ऐसे टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूँ जिससे आप कम समय में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप जरा से मत करना। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिससे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। 10 से 15 हज़ार रुपये आप स्टार्टिंग में कुछ ही कम समय में कमा सकते हो। तो आज की वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप जरा से मत कर देना। टेक्निकल कादर खान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के टाइम में लोग इतने ज़्यादा ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिससे कि आप हर एक बंदा सोचता है कि मैं 10 से 15 हज़ार रुपये अर्न कर सकता हूँ, और वह बंदा 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहा है। 10 से 15 हज़ार रुपये वह कमा रहा है कमरे का खर्चा, किराए का खर्चा और खाने पीने का खर्चा, और वह जो 15 हज़ार रुपये है वह वहीं पर ही समाप्त हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप 10 से 15 हज़ार रुपये घर बैठे कमा सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में आप सभी को बताऊंगा होने वाले हैं कि कम समय में पैसा कमाने के तरीके क्या क्या है, और 2024 में मैं आप सभी को यह सारे तरीके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ ऐसे कई सारे तरीके हैं जिसे जिस तरीके को यूज करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर और ऑनलाइन अर्निंग आप कर सकते हैं और ऑनलाइन पैसा आप कमा सकते हैं जिसको आप कर सकते हैं, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि अपनी आईडी ग्रो करके और अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जिसके ज़रिए आप काफ़ी अच्छी पैसा कमा पाएंगे। तो पैसा कमाने के कई सारे तरीके हैं, ऐसा कौन सा काम है जो कम समय में जिससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अनेक सारे तरीके हैं, जैसे कि पैसा कमाने का जो नंबर वन तरीका है वह शेयर मार्केट से पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा खासा तरीका है, इससे भी आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नंबर टू म्यूचुअल फंड के जरिए आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड होता क्या है वह आप कमेंट कर देना कि म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैं अगली वीडियो बना दूंगा। और तीसरी जो हमारी टिप्स है वह होती है इंस्टाग्राम के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। चौथी जो टिप्स है वह व्लॉगिंग के जरिए, व्लॉगिंग से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और दोस्तों यहीं पर अगर हमारी जो पाँचवीं जो टिप्स है वह फेसबुक के माध्यम से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फेसबुक पर भी चैनल मोनेटाइज होता है, जैसे कि यूट्यूब पर मोनेटाइज होता है चैनल, और यूट्यूब से हम अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। स्टार्टिंग की जो अर्निंग होती है वह यूट्यूब की होती है 8 हज़ार से नीचे हमारी कोई भी अर्निंग नहीं होती यूट्यूब से। 8 हज़ार से ऊपर की अर्निंग होती है यूट्यूब से, जो हमारी पहली पेमेंट आती है वह 8 हज़ार से ऊपर की पेमेंट आती है वह 8 हज़ार प्लस ही आती है। 8 हज़ार से कम की कोई भी पेमेंट हमारे यूट्यूब से नहीं आती। तरीके से फेसबुक से भी अर्निंग होती है, लेकिन फेसबुक का एक क्राइटेरिया है, फेसबुक से अगर हमने 4 दिन में $25 इंक्रीज कर दे तो 4 दिन के बाद ही हमारी पेमेंट आ जाएगी। फेसबुक का एक यह रूल है कि कम समय में कम उम्र से पैसा कमाने का तरीका जानना सीखे। तो यह सारे तरीके मैंने आप सभी को बताया, इन तरीकों पर अगर आप काम करना चाहते हो और इन तरीकों को अगर आप अच्छी तरीके से जानना चाहते हो उनके बारे में तो वह कमेंट कर सकता है, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अगर आप एक तरीके से पैसा कमाना सोच रहे हैं तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, उसके लिए आपको कई तरीके यूज करने होंगे और तरीके का आपका एक रूटीन होना चाहिए। जैसे कि मैंने फेसबुक पर काम किया तो मैं फेसबुक को 2 घंटे दूंगा, मैंने इंस्टाग्राम पर काम किया तो मैं इंस्टाग्राम पर 2 घंटे दूंगा, मैंने यूट्यूब पर काम किया तो मैं यूट्यूब पर 2 घंटे दूंगा, मैं शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूँ तो मैं शेयर मार्केट में 2 घंटे या 4 घंटे दूंगा, मैं म्यूचुअल फंड में काम करना चाहता हूँ तो मैं म्यूचुअल फंड में 2 घंटे या 4 घंटे दूंगा। तो इसी तरीके से आपको एक रूटीन बनाना है और उसी तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मैं पूरी फुल डिटेल के साथ मैं अगली वीडियो बना दूंगा। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर ज़्यादा कर देना, और दोस्तों जो भी तरीका आप सभी को पसंद आया तो वह कमेंट करके जरूर बताना। और जिस तरीके के बारे में आपको
जिस तरीके के बारे में आप सभी को जानकारी नहीं है और आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर देना। बिजनेस से रिलेटेड या फिर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, आपको जानकारी नहीं है और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं इंटरेस्टेड हूँ और कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर देना। और अगर आपको कोई भी बिजनेस दिमाग में नहीं आ रहा है और आप बिजनेस करना चाहते हो और आपको बिजनेस के कोई भी आइडिया नहीं है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना कि हाँ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। तो आई होपली गाइज आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर ज़्यादा ज़्यादा कर देना है। तो मैं सिर्फ इतना, मिलते हैं आप सभी से ऐसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप आए।